सो हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा राजू जी। सो गाइज, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, जैसा कि आप नोजल देख रहे हैं, चाइना पाइप का नोजल है जी गाइज, तो इसका क्या प्रॉब्लम हो कि हवा जैसे ही मारते हैं, हवा थोड़ा सा हो जाने के बाद ऑटोमेटिकली बाहर फेंक देता है जी गाइज, ऑटोमेटिकली बाहर फेंक देता है। तो बाहर फेंकने का क्या रीज़न है, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, मैं इस पूरे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और आप लोग का ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, लाइक करना शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल है और दोस्तों को काम में आने वाला वीडियो है। सो गाइस, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं, ये होल जो देख रहे हैं अंदर में एक रबर होता है, ठीक है। जैसे ये लीवर को देख रहे हैं नोजल वाली, तो इसे हम लोग जैसे ही प्रेस करते हैं तो इस तरीके से क्या होता है कि अंदर का जो रबर होता है वो इस तरीके से रहता था, इस तरीके से सिकुड़ जाता है। तो सिकुड़ जाने के बाद वो जो वाल्व होता है उसको पकड़ लेता है, तभी हम लोग हवा प्रेस करते हैं तो बाहर तरफ नहीं फेंकता है। तो क्या होता है कि जब हम लोग हवा प्रेस करते हैं तो बाहर तरफ फेंक देता है, ठीक है। तो बाहर तरफ फेंकने की वजह से क्या होता है कि हम लोग सही से हवा भर नहीं पाते, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इसका आपको सोल्यूशन क्या है जहाँ गैस, तो कैसे करना है, तो इस तरीका का कोई भी एक आपको पतला सा रड वगैरह ले लेना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं फाइबर का लॉकिंग सिस्टम बूश लगा हुआ। तो इसे आपको क्या करना है, बाहर की ओर प्रेस करना है इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखिए, हमने बाहर की ओर प्रेस किए, ठीक है, हमारा बूश तो निकल गया, तो हम इसे साइड में रख देते हैं। उसके बाद क्या करना है, ये जो लीवर देख रहे हैं इसे भी हम निकाल देते हैं। उसके बाद क्या करना है, ये सारा कनेक्शन को निकाल देते हैं। कनेक्शन को निकाल के हवा प्रेस होता है, एक से हवा प्रेस होता है तो दूसरा लॉक हो जाता है, दूसरा से प्रेस होता है तो उसकी करता पहला लॉक हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना, अंदर में देखिए, अंदर में देखिए दो गो रबर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से जो है ले लेना है रड को, पतला वाली रड जो आपको बताएं, और ये इस तरीके से रबर को निकाल लेना है। रबर को निकालने के बाद इस तरीके से रखना है, ठीक है। दोनों ही रबर को, दोनों ही में से जो भी यूज़ कर रहे हैं तो दोनों ही को आपको इस तरीके से रखना है, ठीक है। इस तरीके से रखने के बाद क्या करना है, ये रबर को जो है उलट देना है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से उलट देना है रबर को, ठीक है। उलटने के बाद क्या करना है आपको, इसी तरीके से लगाना है, ठीक है। इसी तरीके से फिट करना है, उलटने के बाद इसको उल्टा फिट करना है, ठीक है। उल्टा फिट करना इस तरीके से, तो देखिए हमने एक लगा दिए हैं, आप दूसरा भी लगा देते हैं। ये देखिए हमने दोनों ही रबर को उलट के लगा दिए हैं। तो इसमें क्या होगा कि जिधर मेरा घिसा हुआ था वो ऊपर की ओर आ गया है, और जिधर मेरा न एकदम बढ़िया था उधर मेरा नीचे की ओर आ गया। तो जब हम वॉलपिन में लगाएंगे और हवा को प्रेस करेंगे तो बाहर की ओर फेंकेगा नहीं, आसानी से काम करेगा। उसके बाद क्या करना है, ये चीज़ को इस तरीके से फिट कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका जो लीवर है, लीवर को फिट कर देना इस तरीके से। और ये जो आप फाइबर वाली बूश देख रहे हैं, इसे आपको इस तरीके से लगा करके और अंदर की ओर सेंटर पहले मिला लें, ठीक है। ये देखिए सेंटर में मिलाने के बाद क्या करना है, इसको आस्ते की ओर प्रेस कर देना है। प्रेस कर देंगे तो ये देखिए आसानी से आपका जो है सेंटर में आ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका ये देखिए लॉकिंग हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ये काम करेगा। अब देखिए, अब हम जब इसको लगाएंगे तो ये देखिए हमारा सिकुड़ गया है, और इसको जब हम ये करेंगे तो ये खुल गया, देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं। आपका चाइना पाइप का नोजल में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, किंबा आप इंडियन पाइप में लगाए हैं जिस तरीके से हम बताएं, देखिए इंडियन पाइप में देखिए तो इस तरीके से है, तो आप आसानी से इसे ठीक कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अपने घर से, अपने घर में ही आप विदाउट मैकेनिक के कर सकते हैं, बहुत ईजी है और आसान है। जिस तरीके से हम बताएं उस तरीके से कर ले, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा और आसानी से आपका फिट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, रिपेयर आप आसानी से कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दें, चैनल में अगर नया आए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें। और गाइस, एक चीज़ बताना चाहेंगे, कोई भी ऐसा आप लोग को प्रॉब्लम हो साइकिल के रिलेटेड में, कोई भी चीज़ के रिलेटेड में, तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइस चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।